नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉक्सकॉम को कटिंग के थ्रू बहुत जल्दी कैसे तैयार करना है। तो ये जो मैंने कॉक्सकॉम के लगाए थे कुछ दिन पहले भी ये प्लांट्स बताए थे, ये मैंने फरवरी में ग्रो किए थे और उस टाइम मार्च के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी अप्रैल में भी, तो इनकी ग्रोथ मैंने सब आपको दिखाई और फिर इस पे मैंने जो एक 399 वीडियो नंबर जो मेरा 399 था वो गर्मियों में इसकी केयर कैसे करनी है और फूल वगैरह जो खिले थे वो मैंने आपको दिखाए थे और एक वीडियो मैंने इसका 285 डाला था, उसमें सीड से ग्रो करना बताया था। बट आज मैं आपको कटिंग के थ्रू बताऊंगी कि इसको जल्दी से कैसे तैयार करना है। तो सीड से जैसे हम तैयार करते हैं तो सीड से भी इसका जो स्प्राउटिंग है वो 3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, पर प्लांट्स को बढ़ने में फिर कुछ काफ़ी टाइम लगता है। तो कटिंग से जो है हम बहुत ही जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, वो आप मेरे जो पुराने वीडियोस मैंने बताए हैं 399 और 285 वो देख सकते हैं। और एक मैंने सीड कलेक्ट करने का भी इसका बताया था वीडियो, वो मुझे नंबर अभी याद नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं। ये जो पोली बैग देख रहे हैं ये मैंने 11 तारीख को जो मेरे फरवरी में मैंने ग्रो किए थे उसकी कटिंग मैंने एक ये इसमें लगाई थी कोकोपीट में और दो मैंने मिट्टी में जो मेरे गमला एक पुराना कोई प्लांट लगा होगा तो उसमें मैंने ये दो कटिंग लगा दी थी। तो आज 11 तारीख शाम को मैंने ये 11/7 को शाम को मैंने ये कटिंग लगाई है और आज मैंने ये अभी सुबह का टाइम है निकाल के देखी तो 5 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं रूट्स, बल्कि ये मेरे को होप नहीं थी इसकी कि इतनी जल्दी ये बन जाएंगी, तो मैंने ज़ोर से जैसे खींचा कुछ रूट्स जो हैं इसकी ये टूट भी गई मुझसे, मुझे नहीं पता मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, और ये कटिंग है ये येलो कलर वाला, तो ये कई रंगों के होते हैं, येलो पिंक और ये रेड कलर का होता है और भी कई रंगों में ये पाए जाते हैं। ये देखिए रूट्स, और ये जो दो कटिंग थी ये मैंने नॉर्मल मिट्टी में लगाई थी तो इसकी रूट्स कम है, इनकी दोनों की रूट्स कम है क्योंकि इसकी तो खींच गई हैं। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी, ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ इतनी जल्दी इनकी रूट्स से मैंने इनको ये तैयार किया है। कोई रूटिंग हार्मोन्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे तो मैंने गार्डन की जो मेरी पोट में मिट्टी पड़ी है उसमें खाद वगैरह सब कुछ मिला पड़ा, उसमें ये दो कटिंग लगाई थी। ये भी ये देखिए इसकी रूट्स तैयार हो गई हैं, ये आप अच्छे से देखिए, ये मुझे नहीं पता मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। तो ये आप अगर मेरे भाई बहनों के गिनी के घर में ये पुराने प्लांट्स लगे हैं तो आप कटिंग लेके उनकी ये लगा सकते हैं। तो ये देखा आपने, तो कटिंग कैसे लेनी है, मैंने तो वैसे सीड से भी इनको अभी ग्रो किया है और वो मेरे प्लांट्स निकल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर ये कटिंग से बहुत ही जल्दी, ये जैसे मेरा ये प्लांट मैंने ये पोली बैग में लगाया था खूब अच्छी ग्रोथ हुई है, ये खूब फैल गया हुआ, तो मैं ये अभी दिखाती हूँ। तो कटिंग कैसे लेनी है, इस तरह से ये ऊपर की कटिंग ले ले जिसमें कि फूल ना निकल रहा हो, इसमें अभी फूल ना आ रहा हो, तो कईयों पे फूल आ रहे हैं तो ये इस तरह से कटिंग लेनी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, तो आपके सामने ही है ये देख लो। और चाहे तो आप कोकोपीट में लगाओ, मैंने रेत मिली मिट्टी में नहीं लगाई, उसमें भी ये जल्दी तैयार हो सकती है, बस ऐसे कट मारो ये ऐसे, ये लाल वाला, और कुछ पत्तियाँ इसकी हटा देनी है, ये ऐसे हटा देनी है। और आपने इसको जो 4-5 दिन है वो इसको छाया वाली जगह में रखना है, यहाँ पे छाया आती हो तो ये कुछ पत्तियाँ ऐसे रहने दो, ये मैंने ऐसे रहने दी हैं और ये ऐसे इस तरह से, बिल्कुल आसान
ऐसे तोड़ लो, कोई नहीं। और मैंने तो इसमें कोई ऐसे 45 डिग्री का भी कोई कट नहीं दिया था, सीधे काटे थे, तो मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे रूट्स इसकी बन जाएंगी या हो जाएंगी। तो आज जब मैंने इसको खींचा, मैंने ऐसे ही देखने के लिए खींचा अभी, तो इसकी आवाज़ जो रूट टूटने की होती है, कच्ची होती है इस टाइम, तो वो टूट गई। तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, ये सारे तरफ से ये देख रहे हैं आप, ये पूरी ऐसे बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो मिट्टी में भी इसलिए ये बिना रूटिंग हार्मोन्स के, ये देखिए बस ऐसे कुछ नहीं किया। और ये पेन से आप इस तरह से गड्ढा करिए और इसको ऐसे लगाइए और इसको बस ऐसे दबा दीजिए। और ये जो कोकोपीट डाली है, ये तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये गिल्ला ही रहता है, मॉइस्चर इसमें बना रहता है। और बाकी जो ये गमले में आप लगाओगे मिट्टी में, तो आप फिर देख लेना। तो ये मैंने पौधे ऐसे नहीं लगाए थे, सिर्फ चेक करने के लिए लगाए थे। तो ये देखा कितनी जल्दी इसकी रूट्स बन गई हैं, ये कितनी जल्दी तैयार हो गया। और जब हम सीड से तैयार करते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे जब प्लांट होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे जब सीडलिंग उनकी तैयार होती है, तो शुरू शुरू में तो लंबा टाइम लगता है उनको तैयार होने में। और बस इनको पानी दे देना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको अपने ये प्लांट्स दिखाती हूँ। आजकल कीड़ों का भी बहुत अटैक हो रहा है, और अगर आप ये बनाना चाहते हैं फटाफट, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो कटिंग का मैंने आपको बहुत ही आसानी से बता दिया था। ये देखो मैंने पोली बैग में, ये छोटा सा पोली बैग है, और इसमें मैंने पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5 पौधे लगा रखे हुए थे। और ये इतने, ये मोटी मोटी स्टेम हो गई हैं, तो ये अपना भार संभाल नहीं पा रही हैं, और ये ऐसे लुढ़क गई हैं। ये देखा आपने, ऐसे ही लुढ़क गई हैं। और फिर यहाँ से सूरज की तरफ ये जैसे बढ़ती हैं, तो अब ये सीधी खड़ी तो नहीं है, ऐसे लेट गई हैं, तो यहीं से ये निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए आप बस, तो इनकी कटिंग लेके आप बाकी भी प्लांट, जैसे ये खूब बड़े हो गए हैं, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मैंने कोई सपोर्ट इनमें लगाई नहीं। तो अगर मैं सपोर्ट लगाती तब तो ये खड़े रहते, और मैंने सपोर्ट नहीं लगाई है, तो ये ऐसे लेट गए हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी, इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, ये देख रहे हैं आप ये। और एक प्लांट मैं और दिखाती हूँ आपको, ये कोक्सकॉम का ये प्लांट देखिए आप, बल्कि वो जो कीड़े होते हैं ये ग्रास ऊपर वगैरह, वो भी इनकी पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ये स्टेम देखिए मैंने लगा दी थी, इतना ये इसका बड़ा साइज़ हो गया। ये अपने आप को, थोड़ी सी मिट्टी है ये पोली बैग में, और ये अपने आप इसमें डर्टल वाइन भी चल पड़ी है, और ये संभाल नहीं पा रही है अपने आप को इतना। और ये ऐसे लेट गया, मैंने कोई सपोर्ट नहीं दी थी, तो यहीं से ये बरसात के टाइम में अब ये हरी भरी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये कटिंग आप यहाँ से ले लेके, ये यहाँ से इतनी इतनी ये कटिंग लेके आप ग्रो कर सकते हैं, और ये एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा कि आपके प्लांट्स जो हैं इसके लगाने लायक, ट्रांसप्लांट करने लायक तैयार हो जाएंगे, और आप अपनी मनपसंद जगह में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन कोक्सकॉम को लगाने के शौकीन हैं, तो वो जल्दी से इसे इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये साल भर चलने वाला प्लांट है, बस सर्दियों के कुछ एक दिन, जहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, कुछ एक दिन बस नहीं खिलते हैं, बाकी ये पूरा साल भर चलते हैं। मैंने तो फरवरी में ग्रो किए थे, और ये पूरा अभी तक ये पुराने प्लांट्स हैं मेरे, तो अभी भी इनमें फूल खिल रहे हैं, अब दोबारा से आना शुरू हो गया है, जो नई नई ये निकल रही हैं इन पे, ये ब्रांचेस निकल रही हैं इन पे, आना शुरू हो गया है। तो ये देखा आपने, तो ये जैसे फूल ये निकलना, ये ऐसे ये आप स्टार्ट हो गया है, देखा। और भी मैंने कई जगहों में लगा रखे हैं, तो इस टाइम बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो आप ऐसे कटिंग से ईज़िली तैयार कर सकते हैं ये प्लांट। शुक्रिया जी, नमस्ते।